मॉर्निंग स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक्स ऑफ सिविक्स. टुडे वी विल रीड द चैप्टर ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव. दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ द सिविक्स बुक. सो वी विल स्टार्ट द लेसन. द एग्जीक्यूटिव मीन्स विधान पालिका. द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट गिव्स इफेक्ट्स ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव एक ऐसी गवर्नमेंट है जो मेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर या विधान पालिका के द्वारा बनाई गई है. इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द सेंट्रल लेवल और द स्टेट लेवल हैज ऑफिशियल हेड अ रियल हेड एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये एक ऐसा सदन है जिसमें तीन तरह के मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑफिशियल हेड होता है, सेकेंडली स्टेट लेवल पे रियल हेड होता है, थर्ड काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे ऑफिशियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. अ स्टेट एग्जीक्यूटिव इज ऑफिशियली हेडेड बाई द गवर्नर ऑफ द स्टेट. द ऑफिशियली हेड बाई हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दस ही और शी इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज नेम ओनली नॉमिनल हेड. सबसे पहले ये बताया गया है ऑफिशियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. जो एग्जीक्यूटिव है उसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है. इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और वो स्टेट का गवर्नर भी होता है. द हेड ऑफिशियल हेड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ द एडवाइस. ऑफिशियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्ट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वो जो उसकी जो सिलेक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाती है. क्वालिफिकेशन नेक्स्ट है इसकी क्वालिफिकेशन. द ऑफिशियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव द सेंट्रल ऑफ द स्टेट लेवल मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट लीस्ट ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस. उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं जिसके बेस पे उसको प्रेजिडेंट ऑफ बनाया जाता है. वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और लोअर हाउस का मेंबर रह चुका होना चाहिए. अपॉइंटमेंट, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई इन कंट्रोल कॉलेज ऑफ कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड एम पीज और एम एल एस. ही गवर्न ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट. समटाइम वन ऑफ द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर मोर देन वन स्टेट्स. अपॉइंटमेंट उसकी इस तरह से होती है कि जो एम एल एस होते हैं स्टेट्स के या एम पीज होते हैं वो इलेक्शन करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. टर्म्स ऑफ ऑफिसों, उसकी टर्म कितनी होती है. द प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड कैन बी री इलेक्ट फॉर सेकेंड टर्म. ही कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाई एड्रेसिंग अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु देन सेंडिंग द लेटर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. द प्रेजिडेंट कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ कंस्टिट्यूशनल रेसिड्यूज कॉल्ड इम्पीचमेंट. टर्म ऑफिसर्स, उसकी टर्म जो होती है वो 5 years की होती है. उसको सेकेंड बार जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है बाई द हेल्प ऑफ द लोकसभा, अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है तो. द गवर्नर इज़ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. ही और शी कैन रिजाइन फ्राम हिज पोस्ट ऑफ एड्रेसिंग अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू अ प्रेजिडेंट. प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए एक मेंबर रखा जाता है जिसको गवर्नर कहते हैं. उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है. द प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. वो उसको अगर वो अपने कार्यकाल के लिए अच्छा वर्क नहीं करता, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता, तो जो प्रेसिडेंट है वो उसको रिमूव भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से. ऑफिशियल रेजिडेंस, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेजिडेंट इज द राजपति भवन इज इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली. द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द राजभवन एंड इन द स्टेट कैपिटल. ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो हमारा न्यू दिल्ली में है जिसको राष्ट्रीय भवन के नाम से जाना जाता है.
लेजिस्लेचर पावर, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं या फिर एग्जीक्यूटिव के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर इलेक्शन। द गवर्नर एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले उसके पास ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट में इलेक्शन करवा सकता है और गवर्नर या अदर्स मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकता है। द प्रेसिडेंट सेकेंडली द प्रेसिडेंट समोन्स द एंड्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। द गवर्नर समोन्स द प्रोग्रेस ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट का सेकेंड वर्क होता है कि जो भी सेशन बुलाए जाते हैं वो उसको स्टार्ट भी कर सकता है और उसका एंड भी कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लोकसभा और राज्यसभा की जो भी असेंबलीज होती हैं, दो बार, जैसे आपको पता है कि साल में दो बार असेंबलीज होती हैं लोकसभा और राज्यसभा की, ये दोनों असेंबलीज प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती हैं। अ बिल पास बाय अ पार्लियामेंट कैन बी बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर अ प्रेसिडेंट साइन। जब भी कोई बिल, मतलब बिल मीन्स कानून, जब भी कोई बिल पास करना होता है तो वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना पास नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट के साइन होते ही बिल जो है वो लॉ बन जाता है। अ बिल पास बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर साइन इन इट। अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के साइन हों तभी कोई बिल जो है वो लॉ बन सकता है। सम बिल्स कैन बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट विद हिज सजेशन टू द लेजिस्लेचर। सम बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी हेल्ड बैक बाय द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट कंसाइडर। कुछ बिल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और कुछ बिल जो होते हैं अगर उनमें प्रेसिडेंट की सहमति नहीं है तो उनको बैक वापस कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू और ऑडियंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। द गवर्नर कैन इश्यूज ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन द सेशन। प्रेसिडेंट का ये भी काम है कि जो वहाँ पे जो पार्लियामेंट में सिटीजन्स होते हैं वो अपनी जब एडवाइस देते हैं तो उनको वो रिमूव भी कर सकता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। ऑल द डिसीजन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव आर कैरिड आउट ऑफ द नेम द प्रेसिडेंट। ऑल द डिसीजन ऑफ अ स्टेट एग्जीक्यूटिव आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जितनी भी डिसीजन या कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर लेनी है तो वो प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना नहीं हो सकती। ऑल हाई रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर अपॉइंटेड एदर बाय द प्रेसिडेंट और बाय अ गवर्नर। किसी भी ऑफिस को, ऑफिसर को या किसी अदर मेंबर को अपॉइंट करना है तो वो प्रेसिडेंट की परमिशन के द्वारा, परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। सो वी डिस्कस दिस चैप्टर। टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।